क्या आपसे भी ये गलती होती है कि जब भी आप फोटो नेल आर्ट करते हैं तो आपका जो फोटो है वो नेल पे स्टिक नहीं करता, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है, बहुत स्टिफ होता है और आपको स्ट्रगल करना पड़ता है उस फोटो को आपके नेल में फिक्स करने के लिए। आपका मन नहीं होता है कि आप उसके साइड्स में कुछ आर्ट करो या फिर स्टोन्स लगाओ ताकि आपके वो जो एजेस हैं वो दिखें, बट क्योंकि आपके एजेस इतने हार्श रहते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए रहते हैं, ये आपको वहाँ पे ज़बरदस्ती स्टिकर्स वगैरह या फिर स्टोन्स ये सब लगा के उसको हाइड करना पड़ता है। तो ये वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया है, इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर मैंने सिंपल फोटो पेपर लिया है जिसका जो फोटो वाला साइड है जितना छोटा मुझे साइज चाहिए था उस हिसाब से मैंने उसको कट कर लिया है। कट करने के बाद आपको एक बोल में सिंपल पानी लेना है और उस पानी में आपको उस फोटो के कटआउट को डाल देना है फॉर 30 to 40 सेकेंड। अब जब तक आपका फोटो वहाँ पे है तब तक आपको आपका नेल टिप प्रिपेयर करना है। मैं यहाँ पे डेमो दिखा रही थी तो इसलिए मैंने सिंपल जेल पॉलिश के ऊपर आपको करके दिखाया है। अगर आप एक्सटेंशन के ऊपर करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको पहले वन कोट बिल्डर जेल का लगाना है पतला, उसी वन कोट के ऊपर आपको ये जो फोटो है उसको चिपकाना है, उसके बाद उसको लॉक करना है ऊपर से विथ सेकेंड कोट बिल्डर जेल और एक्रोलिक, जो भी आप एक्रोलिक या बिल्डर जेल जो भी यूज़ करना चाहते हैं आप उसके हिसाब से उसको इनबिल्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने नेल टिप को प्रिपेयर कर लिया है, मैंने व्हाइट जेल पॉलिश लगाया था और मुझे एक टैकी लेयर चाहिए था इसीलिए मैंने अपना मैट टॉप कोट का यहाँ पे यूज़ किया है, उसको मैंने ड्राई नहीं किया। अब मेरा जो फोटो था वो रेडी हो चुका है। मैंने इसका जो बैक साइड जो पेपर वाला साइड है उसको देखिए हल्के हल्के फिंगर से हल्के हल्के प्रेशर से मैं उसको रब कर रही हूँ। बचपन में जैसे हम लोग बूमर च्युइंगम वगैरह खाते थे उसमें जो स्टिकर्स आते थे वो भी ऐसे ही होते थे, ध्यान करें तो आपको याद आ जाएगा। बहुत हल्के हाथ के फोर्स से हमको इसको सारे पेपर को रिमूव करना है। एक बार हमारा पेपर रिमूव हो गया तो आप देख सकते हैं कि ये कितना पतला हो जाएगा, आपका आर्ट जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा वहीं पे और आपके लिए ये आपके नेल टिप में बिठाना बहुत ही इजी हो जाएगा, कोई भी हार्श एजेस या फिर जो एंड्स हैं वो नहीं दिखेंगे। मैंने इसको प्रॉपरली नहीं कटा, अगर आप चाहो तो अच्छे से पूरा शेप निकाल के कट कर सकते हो। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे ट्वीज़र की हेल्प से जितने भी वो बबल्स थे साइड साइड में जो पेपर्स थे उसको मैंने हटा दिया है। फिर ट्वीज़र की हेल्प से जो नेल टिप मैंने रेडी किया था जिसमें मैंने जेल पॉलिश लगाया था और टॉप कोट लगा के गीला छोड़ दिया था उसके ऊपर मैं इसको सिंपल बिठा रही हूँ। देखिए क्योंकि ये इतना पतला हो गया है ये आराम से हमारे नेल टिप पे सेट हो जाता है। उसके बाद आपको बस किसी भी टूल की मदद से इसके साइड्स को उसमें हल्का हल्का प्रेस कर देना है ताकि वो सेट हो जाए। फिर आप नॉर्मल लैम्प पे क्योर कर दीजिए। यहाँ पे मैंने इसको क्योर करने के बाद इसके ऊपर पहले एक कोट और मैट टॉप कोट का लगाया था फिर ग्लॉसी टॉप कोट लगाया। अगर आप बिल्डर जेल में कर रहे हो तो पहले आपको बेस में बिल्डर जेल लगाना है, इसको स्टिक करना है, क्योर करना है, फिर आपको सेकेंड कोट बिल्डर जेल लगाना है। इससे आपके एजेस इतने स्मूथ होंगे कि आपको अननेसेसरी स्टोन्स वगैरह लगा के एजेस हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने पसंद के एक्सेसरीज आपके पसंद के आर्ट से इसको आप और डेकोरेट कर सकते हैं या फिर सिंपली ऐसा भी छोड़ सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है दोनों तरीके से। अब आप अपने पार्टनर का या फिर आप अपने क्लाइंट्स के जो भी पार्टनर है या फिर जो भी मेमोरीज है उसको अपने नेल में बहुत ईजीली ला सकते हैं। और हाँ, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे विद फुल डिटेल्स एंड ट्यूटोरियल्स। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे, नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और बेल बटन को ज़रूर दबाना क्योंकि उसी से आपको मेरे सारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो होप यू लाइक द वीडियो, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।